ये कहानी है जंगल बॉय हरी मोहन की, जो बचपन में बड़ा शरारती हुआ करता था। इतना कि चढ़ गया बिजली के खंभे पर और उस बिजली के झटके ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। आज हरी मोहन जिम्मेदार बनकर नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आइए जानते हैं हरी मोहन के बारे में। दोस्तों, मैं अभी शोले पिक्चर का सामा नहीं हूं, मैं बैठा हूं हमारी कहानी के हीरो के घर में। हमारी कहानी का हीरो है हरी मोहन, जो एक नंबर का बदमाश है और यहाँ जंगल के बीचों बीच में रहता है। और उसकी अपनी समस्याएं भी हैं, उसका भाई भी है, उसकी माँ भी है, बहनों की शादी कर दी, क्या क्या उसकी दिनचर्या है, क्या उसकी लाइफ में समस्याएं हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं जहां बैठा हूं, रात को यहाँ पे लेपर्ड आते हैं। यहाँ ये पूरी जमीन हरी मोहन की जमीन है, मेरे पीछे हरी मोहन का घर है, यहाँ पास में केले के बगीचे हैं, इसके केले होते हैं। जमीन अपनी है लेकिन फसल उगा नहीं पाता क्योंकि जानवर खा जाते हैं, हिरण घूमते हैं और रखवाली करना मुश्किल होता है। गाय पाली हुई है, भाई रात को गाय के पास होता है, तो एक ही इंसान अलग अलग रखवाली नहीं कर सकता, तो गायों की रखवाली हो जाती है, फसल की रखवाली नहीं कर पाते। जंगल में रहने के बावजूद आसपास नदियां बह रही हैं, लेकिन गर्मियों में करीब 400-500 मीटर नीचे जाना पड़ता है और फिर वहां से पानी भर के लाना पड़ता है हरी मोहन की माँ को। रहा सवाल इनकम का, एक हरी मोहन की सैलरी, थोड़ा सा केले बेच के आए, हरी मोहन की माँ की विधवा पेंशन, बस ये इनकम का सोर्स है, सरकार से मिलने वाला राशन। और जंगल के बीच की लाइफ कितनी टफ होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे घर में रहना होता है, जहां रात को आप निकलने की नहीं सोच सकते वहां पे कैसे रहना होता है। इस एरिया में करीब 20 लेपर्ड्स की मूवमेंट है और एक टाइग्रेस की टेरिटरी भी बिल्कुल सामने है, मुश्किल से 400 मीटर दूर इस पहाड़ में टाइग्रेस रहती है, 400 मीटर कुछ भी नहीं होता है। उसके बीच में कैसे ये परिवार अकेला रह रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है हमारी कहानी का हीरो हरी मोहन, 18 साल का लड़का है, देखने में बच्चा लगता है। और मैंने पहले आपसे बताया था बहुत बदमाश है, कैसे बदमाश है मैं एक कहानी बताता हूँ, रियल कहानी। ये बिजली के खंभे पे चढ़ गया। दोस्तों, ये 8वीं क्लास में पढ़ता था और करीब 3 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाता था, अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, तो इनमें शर्त लगी कि बिजली खंभे पे कौन चढ़ेगा। पहले एक चढ़ा, आधे रास्ते तक गया, ये बहादुर बन के बोलता है मैं करके दिखाऊंगा, ऊपर खंभे पे चढ़ गया। और जब वापस उतर रहा था तो जो सपोर्ट वाला तार होता है, अभी एक यहाँ भी खंभा है, मैं दिखाऊंगा कौन सा वाला तार, हालांकि वो ये खंभा नहीं था, वो खंभा कहीं और था, उसमें इसका पैर टच हो गया और वहीं करंट लगा, नीचे गिर गया। फिर गांव के लोग आए और फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए, 2 घंटे बाद होश में आया और फिर ठीक हुआ। अभी मैं आपको इसका पैर दिखाऊंगा, पूरा पैर जला हुआ है। कितनी गाय है तुम्हारी हरी मोहन? सर 6। 6 गाय? हां जी सर। और सारी कितने बैल भी हैं? हां जी सर, 2 बैल। खेती करते हो? हां जी सर। खेती से कुछ उपज होती है? हां जी सर, बहुत कम होती है। कम होती है? हिरण खा जाते हैं, सुअर खा जाते हैं। हिरण और जंगली सुअर? तो दोस्तों, ये जो थोड़ी बहुत खेती करते हैं वो हिरण और जंगली सुअर खा जाते हैं, थोड़ी बहुत फसल ये निकाल के अपने घर ला पाते हैं। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ हरी मोहन के बड़े भाई से और हरी मोहन की माँ से। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि ये छोटे से घर में सिमटी हुई है हरी मोहन के परिवार की जिंदगी। ये हैं हरी मोहन के बड़े भाई, ये है हरी मोहन की माता जी। इस पेड़ की छालों से ये रस्सी बनाते हैं। तो भैया, कैसे, आपका नाम क्या है? बिरजू जी। तो ये रस्सी कैसे बनाते हो बिरजू? बढ़ते हो। फिर इसको एक जो छाल निकालते हो तो क्या करते हो उसका? ये चारे पार में डाले फरसाता है। हाँ। और फरसाते छोड़ते हैं। हाँ। करते हैं वो चार को धूप में छुड़ाते थे। अच्छा। धूप में तो सो
फसलते है। हाँ फसलते उठ के हाँ बांधता है हाँ सिर पे जाती है हाँ और फिर ऊपर से घर पे हाँ घर पे जाते खाना बना लिए हाँ चाय बना लिए हाँ और गाय को खिचड़ी बना के हाँ पिलाती है हाँ ये बात तो वो सला बना लिए हाँ और ये बात सो जाते सो जाते। चलो माता जी आप बताओ रस्सी कैसे बनाते हो ये रस्सी यार है ना हाँ पेड़ का और नीचे हम नदी में डालते हैं डाल के उसको दस बारह दिन के हफ्ता तरह रखूँगा और सब भी उसके जाएंगे फिर उसको हम गाड़ते क्यार को फिर उसको धोते है ना धोते फिर उसको धोते क्या छिला छाल डालते सूखते फिर उसको घर लाते फिर उसको इस शोर को भी धोते हैं साफ होते ही सुखाने देते फिर हम घर आते हैं। और जब ये रस्सी आप बट लेते हो ये बना ली क्या भाव बिकती है ये 50 रुपये भी बिकते हैं। 50 रुपये में कितना दो जोड़े और आप कितने बना लेते हो महीने में महीने में बढ़ते हम 100 भी बढ़ सकते हैं 50 भी पड़ते हैं। अच्छा तो अगर 100 कर लोगे तो 5000 रुपए और अगर 50 करोगे तो 2500 रुपए इससे कमा लोगे। जो मोटे मोटे रहते ना वो 50 रुपए का है। और ये रस्सी किस काम में आती है बाजार में ये रस्सी किस काम में आती है बाजार में नहीं जाते गाँव में जाते डंगर बांधने के। अच्छा डंगर मतलब जानवर है ना पालतू जानवर बांधने के काम में आती है। अच्छा इस रस्सी का नाम क्या है क्या बोलते हैं इसको भ्योर की रस्सी बाजार में नहीं मिलती है ना। यही घरेलू कुटीर उद्योग है मतलब घर में ही बनती है और इस्तेमाल की जाती है। और माता जी ये बताओ आपकी तकलीफें क्या क्या आपको यहाँ पे जिंदगी आसान लगती है मुश्किल लगती है मुश्किल लगते हैं। क्या क्या समस्या है आपकी मेरे पानी का दुख है खेत का दुख है। पानी का क्या दुख है बहुत दूर जाते नदी पार। अच्छा वहाँ वहाँ दोस्तों ये जो पहाड़ मेरी उंगली की सीध में जगह दिख रही है वहाँ से पानी भर के ये लाते हैं। बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं है आसपास पानी मिल जाता है बारिश को छोड़ के बाकी साल वहाँ से पानी भर के ये इतनी ऊंचाई तक लाती है। और खेती वगैरह करते हो तो उसमें खेती होता नहीं खेते होते जानवर नहीं रखते। कौन से जानवर सुअर जंगली सुअर जंगली सुअर और हिरण वगैरह खाते हैं। अच्छा जंगली सुअर और बघेरा आता है तेंदुआ बकरी माते गाय माते। आपकी गाय मारी थी गाय माते जो छोटे वाले बछड़े उसके मम्मी खत्म हुई। कम मारी वही होंगे दो तीन महीने पहले कहाँ मारी थी यहाँ पे मारे खेत के नीचे। अच्छा तो फिर नुकसान हो गया आपका नुकसान हो गया और 6000 का गाय आया 6000 गाय आया तब नीचे गाय घर भी बहुत बरने ऊपर छत नीचे भी पानी आते ऊपर भी पानी टपते हैं तिरपाल उड़े हैं। और जब आपके ये बेटा दोनों बेटे काम करने चले जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता ना डर नहीं लगता मैं अकेले रहते अगर आपके सामने कभी बघेरा आया मैं डरता नहीं मैं ठोकते है भगा दिया। तो दोस्तों ये हरिमोहन है जैसा मैंने बताया था कि बिजली खंभे पर चढ़ गया था ये वाला खंभा नहीं है वो खंभा कहीं और था। कैसे चढ़े थे तुम खंभे पे स्कूल से आ रहे थे तीन चार दोस्त थे मेरे साथ पे हम उन्होंने बोला कि तू चढ़ जाएगा खंभे पे उन्होंने शर्त लगाई कि हम चढ़ जाएंगे वो चढ़ नहीं पाया तो मैं चढ़ गया खंभे पे और करंट लग गया मेरे को। तो ये बताओ कि काम सही किया गलत किया गलत ऐसा करना चाहिए नहीं सर आगे से तो नहीं करोगे नहीं सर। और दूसरों को भी यह संदेश दोगे ना इस तरह की बदमाशी जो स्कूल के बच्चे करते हैं उनका क्या हश्र होता है। अपने दोस्तों को या बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि उन्हें बिजली के खंभे के करीब भी नहीं जाना चाहिए बिजली पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए हर किसी को उन्हें बिजली उन्हें बचाती नहीं है वो मैं बच गया। दोस्तों ये है वो बिजली के करंट लगने के निशान जो इसको लगे थे ये बिजली खंभे के ऊपर चढ़ गया था और करंट लगा नीचे गिरा भगवान की दया से बच गया। लेकिन जैसा आपने सुना हरिमोहन ने खुद बोला है
कि बिजली के खंभे के पास भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी ऐसे शर्त नहीं लगानी चाहिए और खंभे के ऊपर पर नहीं चढ़ना चाहिए। बिजली के खंभे के ऊपर पर चढ़ना सिर्फ बिजली वालों का काम है। ये दोस्तों हरिमोहन के केले के पेड़ हैं, ये फूल है केले का और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये केले लगे हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए, पहाड़ के ऊपर उसका घर है, नीचे पूरा नदी और सामने है मणिकूट पर्वत। ये मणिकूट पर्वत वही पर्वत है जिसमें शिव जी ने विषपान करने के बाद में आराम किया था और इसकी ही जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना है वहाँ पे। यहाँ से पैदल जाएंगे तो करीब 8 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से केले के काफ़ी सारे पेड़ हैं, अच्छा खासा बगीचा है हरिमोहन का। केले बेच के भी इनकी इनकम करीब 600 रुपये महीना के आसपास हो जाती है। अच्छा माता जी, ये बकरियाँ किस लिए पाली हैं? मैंने पाला है। किस लिए पाली? पालने के लिए, बेचने के लिए। बेचने के लिए? हाँ। तो क्या भाव बेचते हो आप? 6000 है, 7000 है। कौन सी 6000 की है? ये बकरी 6000 की है। हाँ। कितने किलो की होगी? होंगे 5-6 किलो। 5-6 किलो की। हाँ। और ये गाय आपने इसी की माँ को खा लिया था उसने? हाँ। तेंदुए ने? हाँ, बकरे ने। तो दोस्तों ये बघेरा, जिसको गाँव में बघेरा बोलते हैं तेंदुआ, ये जो बछड़ा है इसकी माँ को खा लिया 3 महीने पहले। फिर आपने दूसरी गाय खरीदी 6000 में? और ये बकरी पशुधन भी, इनकी पशुधन से भी इनकम हो जाती है। हाँ। और बाकी थोड़ा नींबू आम और इस तरह के फल बेच के थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा परिवार है हरिमोहन, हरिमोहन का बड़ा भाई बिरजू और माँ सावित्री देवी, इनकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई, एक भाई पंजाब में है जो नौकरी करता है। ये परिवार है, इस तरह से इनका जीवन यापन मुश्किलों के बीच से पहाड़ों में हो रहा है, लेकिन माथे पर शिकन नहीं है, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हरिमोहन की। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।